अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ायगोट फार्म। आप देख सकते हैं वीडियो में सारे बकरे रिलैक्स मूड में हैं। सुबह का नाश्ता पानी हो गया है, अभी सब रिलैक्स कर रहे हैं। थोड़ा प्ले एरिया भी मेरा एक्सटेंड हो गया, जैसा आप देख सकते हो, एक 20 फुट और एरिया मेरा बढ़ गया। वो अभी ये सब नए एरिया में आके जानवर बैठ गए, ठीक है। तो आज का वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ही है, जिसका सिम्टम पहचानना बहुत ही ज़रूरी रहता है और ये एक्सपीरियंस से ही आता है, ठीक है। इसमें नए फार्मर को या नया जो भी काम कर रहा है उसको इसका नॉलेज नहीं रहता है, और थोड़ा उसको बकरे का प्रॉब्लम पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, सिम्टम पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो पेशाब का जो भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे फार्मर को या जो भी शौक कर रहा है उनके तक पहुँचे, ठीक है। तो एक बकरे का मेरे पेशाब बंद हो गया था, वो उसका सिम्टम मैं आगे वीडियो में बताऊँगा क्या उसके क्या सिम्टम्स रहते, कैसे अपन उसको पहचान सकते बकरे का, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो एक बकरे का मेरा पेशाब बंद हो गया था, और ये बहुत एक यानी कॉमन प्रॉब्लम है, कभी कभी ये हो जाता है। इसके बहुत सारे रीज़न है, जैसा कोई यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो तो उससे पेशाब बंद हो जाती है, या स्टोन का प्रॉब्लम हो, मुतखड़ा जिसको बोलते हैं अपन, उसका भी प्रॉब्लम हो तो भी ये पेशाब का प्रॉब्लम आता है, पेशाब रुक जाती है, या ज़्यादा अनाज खाने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो इसको हल्के में तो नहीं लेना है, क्योंकि पेशाब आप समझ सकते हो, अगर पेशाब बंद हो गया तो बकरे को बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। यानी उसके जो भी बॉडी में टॉक्सिक तैयार हो रहा है तो वो पेशाब के थ्रू ही बाहर निकलता है, अगर वो बंद हो जाए तो बकरे को बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसका सिम्टम्स मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ, तो सिम्टम को आप गौर से देखिए कि बकरा क्या कर रहा है। जैसा बकरा पेशाब बंद हो जावे तो बेचैन हो जाता है, उठ बैठ करेगा, और बार बार पेशाब करने की भी कोशिश करेगा बकरा, और अपने चारों पाँव से खींचेगा, बकरा खड़ा होएगा तो खींचेगा, उसका दुम भी टाइट करेगा, और जैसा बताया वैसा बार बार बकरा पेशाब करने की कोशिश करेगा। तो आगे वीडियो में मैं उसके सिम्टम बताए वो आप देखो। ये बकरे का पेशाब बंद है, तो ये इसके सिम्टम है, देख सकते हैं बकरा कैसा खड़ा हो रहा है, दुम भी पीछे की टाइट की है इसने, इसको थोड़ी पेशाब की तकलीफ हो गई है, तो ये इसके सिम्टम रहते, बकरा ऐसा खींचेगा भी। तो जैसा वीडियो में आपने देखे कि ये बकरे के सिम्टम्स रहते, ठीक है। तो ये सिम्टम देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि बकरे का पेशाब बंद है, या तो फिर ऐसे सिम्टम बकरा बता रहा है तो उसको आप एक काम कर सकते हैं, उसको अलग से सूखी जगह पे या उसके नीचे कोई गोंटा वगैरह, जूट का गोनी वगैरह रख के, या कपड़ा उसको नीचे रख के बकरे को खड़ा करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि बकरा पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है और फटाफट हो भी जाता है मेडिसिन से, इसके ऊपर देसी नुस्खे भी है, पर अभी मेडिसिन तो अवेलेबल हो जाता है, तो वो ट्राई करने के बजाय इससे काम फटाफट हो जाता है, ठीक है। तो हमने आगे क्या मेडिसिन यूज़ किया है फार्म पे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेडिसिन मैंने यूज़ किया था, आप देख सकते हो कि मैंने कौन सा उसको मेडिसिन यूज़ किया था, ठीक है। तो सबसे पहला उसको मैंने लैसिक्स मारा था, ये लैसिक्स इंजेक्शन है ह्यूमन का, ये 2 ml हमने मारा था,
फिर सेकंड उसको मोनोसेफ मारा था, जैसा ये सब चीज़ पे काम करता है, ग्रैम पॉजिटिव ग्रैम नेगेटिव बैक्टीरिया उस पर भी काम करेगा, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उस पर भी काम करेगा। और थर्ड उसको मारा था मेग्लोडाइन, जैसा आप देख सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एनर्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है, यानी दर्द सूजन बुखार पे सब पे काम करेगा ये, तो ये मारा था। और एक रूमेरिक, ये भी बढ़िया चीज़ है, बी कॉम्प्लेक्स में ये दिया था। ये सब मेडिसिन ध्यान रखो कि आपको बॉडी वेट के हिसाब से देना है, ठीक है, आप डॉक्टर को कंसल्ट करो उसके बाद ही मेडिसिन दो, ठीक है। और लास्ट में उसको मैंने सिस्टोन टैबलेट भी दिया था, ये होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, तो ये पेशाब किस वजह से रुकी थी उसका पता नहीं था, शायद स्टोन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रिकॉशन के लिए उसको ये सिस्टोन की गोली दी थी, इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये भी अपने को बॉडी वेट के हिसाब से देना है, तो ये सारा मेडिसिन मैंने दिया था। तो जैसे मैंने बताया ये मेडिसिन मैंने हमने यूज़ किए। और एक बात मैं हर मेरे वीडियो में भी बताता हूँ कि जो भी मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ तो मैं मेरे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करता हूँ, और आप भी ज़रूर करिए, डॉक्टर अवेलेबल है तो डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मेडिसिन मैंने हमने यूज़ किए और उसका रिज़ल्ट भी आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ये इसने पेशाब की अभी, जैसा आपने देखा कि मेडिसिन देने के बाद बकरे ने 10 से 15 मिनट में पेशाब कर ली, ठीक है, ये बहुत आसानी से काम हो जाता है और ये मेडिसिन इस पर काम भी अच्छे से कर लेता है, ठीक है। तो इसको लाइटली ना लेते हुए इसका फटाफट ट्रीटमेंट करें ताकि बकरे को रिलैक्स तुरंत मिल जाए और बहुत आसानी से काम हो भी जाता है, ठीक है। तो यही वो बकरा है जो बैठा है, आप सामने देख सकते हो, एकदम रिलैक्स हो गया, अभी आराम कर रहा है, उसको जो भी तकलीफ थी पेशाब की वो सॉल्व हो गई, जो मैंने मेडिसिन बताए वो हमने मेडिसिन यूज़ किए, तो इससे उसकी जो भी तकलीफ थी वो प्रॉब्लम निकल गया, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ, दुआ में याद रखना और अपने माँ बाप की खिदमत ज़रूर करना, ठीक है।